तक पहुंच जाता है। फिर माता रानी हमको ये आशीर्वाद दे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए हम सभी भाइयों को ताकत दे। जय श्री राम। मेरे निवेदन कम होने वाले नहीं है, बहुत निवेदन बाकी है। निवेदन करूंगा कि अयोध्या में प्रभु रामचंद्र का मंदिर निर्माण हो रहा है, वो जल्द से जल्द निर्माण हो। हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये देश सभी का है और सभी का रहेगा। सिर्फ इतनी ही गुजारिश है, इस देश में रहने वाले सभी इस भारत माता को अपनी माता समझे। क्योंकि मैं बजरंग दल से आया हूँ तो थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, इस देश में रहने वाले जो भी मेरे भाई है, अगर उनको ये देश माता नहीं लगता है तो इस बारे में तो हमें अवश्य बोलूंगा। क्या बात है? अगर वंदे मातरम कहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये वंदनी मेरी माता है। इस माता इसी धरती पे हम छठ पूजा का कार्यक्रम करते हैं, नवरात्र का कार्यक्रम करते हैं, गणपति का कार्यक्रम करते हैं, और अगर ये हमको माता नहीं लगती है तो और मैं क्या बोल सकता हूँ। जय श्री राम। बहुत बढ़िया इधर कार्यक्रम हुआ है। मैं सभी से एक बार फिर से माफी मांगूंगा कि मुझे आने में समय हो गया। कोशिश करूंगा कि कल 8 बजे आने की, तो सभी मेरे भाइयों एक साथ में जयघोष करेंगे कि छठी माता के पास वंदन तो देना चाहिए और छठी माँ हम सभी पे प्रसन्न होनी चाहिए। इससे महाराष्ट्र को हमको मुक्त करना है और इस महाराष्ट्र मुक्त करने के लिए ये संतों की भूमि है। आप सभी को मालूम है वो संतों पे ही अत्याचार हो रहा है, तो सभी भाइयों एक साथ में घोषणा देंगे छठी मैया के जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हम जिस महाराष्ट्र में रहते हैं उस महाराष्ट्र का अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेंगे तो इस वाश व्यासपीठ को शोभा नहीं आएंगी। तो सभी भाइयों दोनों हाथ या मुठिया बंद करके घोषणा देंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के, धर्मवीर संभाजी महाराज के, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। धन्यवाद सभी को।